हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें से हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। जैसे द सेंटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ राइटर, मतलब राइटर का जो पर्पस होता है या तो राइटर का या तो स्पीकर का, उनके पर्पस के हिसाब से हम लोगों ने सेंटेंसेस को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फोर कैटेगरीज। सबसे पहला क्या था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरे क्या थे, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और चौथे थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हमने पढ़े थे, सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम वैसे असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। और ये सेंटेंसेस यूज किस लिए होते हैं, अगर हमको स्टेटमेंट में फैक्ट शो करना है या तो अगर हमको ओपिनियन शो करना है या विश या किसी फीलिंग के बारे में अगर हमको सेंटेंस में शो करना है तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते थे। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट था फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप हम ये क्या बोल सकते हैं, फुल स्टॉप क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। हम इस तरह से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमने पढ़े थे कि वो या तो आइदर पॉजिटिव होते हैं आइदर निगेटिव, मतलब उसके भी दो कैटेगरीज होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ओपिनियन टाइप एग्जाम्पल, विश टाइप था, या फिर कुछ जैसे कुछ ऑर्डर टाइप, मतलब किसी फीलिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल थे। तो ये सभी एग्जाम्पल हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में पढ़े थे। उसके बाद हमने देखे थे पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या थे, जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में से एक पॉजिटिव सेंस आता था और जिसमें डू मतलब नो नॉट नथिंग इस तरह के निगेटिव वर्ड्स जो सेंटेंस में अवेलेबल मतलब प्रेजेंट नहीं रहते थे, वो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। निगेटिव सेंटेंसेस क्या थे, जो सेंटेंस में एक निगेटिव सेंस देते थे और उसमें नो नॉट नथिंग इस तरह के जो निगेटिव वर्ड थे वो सेंटेंस में प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे अफर्मेटिव के और निगेटिव के, दोनों को कंपेयर करके हमने जब देखा था तो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें से एक पॉजिटिव सेंस आ रहा था और निगेटिव मतलब वो जो सेंटेंस में से निगेटिव सेंस और उसमें नॉट मतलब इस तरह के नो नॉट नथिंग इस तरह के जो निगेटिव वर्ड्स थे वो निगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट थे। आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है वो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते किस तरह से और उनका यूज क्या है और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा सिंबल कौन सा पंक्चुएशन हम यूज करते हैं उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव आर वर्ब्स विच क्रिएट्स द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव वर्ब्स जो होते हैं, इम्पेरेटिव वर्ब्स वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए इम्पेरेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमको किस लिए हेल्प करते हैं या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, इट टेल्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पीकर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हमको स्पीकर के बारे में पता चलता है, वो हमको इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि स्पीकर हमको कमांड दे रहा है, गिविंग कमांड, स्पीकर गिविंग कमांड, वो हमको कमांड दे रहा है या हमको ऑर्डर दे रहा है या तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सेंटेंस क्या बोला है, इट टेल्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर गिविंग कमांड और ऑर्डर और मेकिंग रिक्वेस्ट, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, स्पीकर के बारे में, कि स्पीकर हमको कमांड दे रहा है, हमको ऑर्डर दे रहा है या तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये हमको पता चलता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से। एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। हम जब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे हमने देखा था कि उसके स्पेशलिटी मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन ये था कि वो हमेशा एंड होते थे फुल स्टॉप के साथ। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस आइदर फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं या तो फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। ठीक है, अब इट आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें भी सेम है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी आइदर पॉजिटिव होंगे या तो वो निगेटिव होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, जैसे हमने बोला था कि हमको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है, स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो हमको ऑर्डर दे रहा है या हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब स्पीकर के बारे में हमको पता चलता है वो ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे प्लीज कम हियर, यहाँ पे किस तरह का सेंटेंस है, मतलब क्या लग रहा है कि स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर हमसे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज डोंट टॉक टू मी। अब ये क्या हुआ, या तो कमांड या तो ऑर्डर। ठीक है, डोंट फॉरगेट योर बुक,
ये भी या तो कमांड होगा या तो ऑर्डर होगा. गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल, ये भी उसी तरह का टाइप, उसी टाइप का एक सेंटेंस है. और देखो कहीं फुल स्टॉप है और कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो हमने बोला ही है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस या तो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं या तो वो एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. थोड़ा सा देख लो फिर से एक बार. इंपेरेटिव आर वर्ब विच क्रिएट्स द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब इंपेरेटिव वर्ब्स जो होते हैं वही इंपेरेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं. अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देते हैं, इन्फॉर्मेशन वो हमको देते हैं स्पीकर के बारे में. क्या स्पीकर हमको कमांड दे रहा है, क्या वो हमको ऑर्डर कर रहा है या फिर वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. अब वो एंड किससे होते हैं, या तो एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ या तो वो एंड हो गए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. अब या तो वो आइदर पॉजिटिव होते हैं या तो आइदर वो नेगेटिव होते हैं. जैसे कि हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे, प्लीज कम हियर, प्लीज डोंट टॉक टू मी, डोंट फॉरगेट यूर बुक, गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल, ये सभी क्या है जो स्पीकर ने बोला है, मतलब या तो उसने ऑर्डर करा है या तो कमांड दी है या तो उसने रिक्वेस्ट किया है. तो ये सभी क्या है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हुए. और लास्ट में क्या बोला है, समटाइम इट ओनली यूज अ वर्ब्स, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी सिर्फ वर्ब्स ही आते हैं जो हमको पता चलता है कि जिसमें स्पीकर हमको बोलना क्या चाह रहा है, मतलब वो क्या हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है या तो हमको कमांड दे रहा है. जैसे कि हो गया स्टॉप, प्लीज, इस तरह के जो वर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं जिसमें हमको स्पीकर के बारे में पता चल रहा है कि हमको ऑर्डर करना है या तो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये सभी था सेंटेंसेस के. अभी तक हमने कितने टाइप पढ़े हैं, अभी तक हमने सेंटेंसेस के दो टाइप पढ़े. सबसे पहले हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरे हमने देखे इंपेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम वैसे असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते थे, जो हम इसलिए यूज करते थे सेंटेंसेस में अगर कभी हमको मतलब हमारे फीलिंग के बारे में बताना है या तो हमारी विश बताना है या फिर कोई किसी को ओपिनियन दे रहा है, इस तरह का अगर हमको सेंटेंस में बताना है तो जिसके लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते थे जो एंड होते थे फुल स्टॉप के साथ. तो हम लोग ने ये भी बोला था कि फुल स्टॉप क्या है, उनकी आइडेंटिटी है. उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमसे ये पता चला कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें से हमको स्पीकर के बारे में पता चल रहा है कि स्पीकर के एक्शन किस तरह से होगी, वो किस तरह से कमांड करने वाला है या रिक्वेस्ट करने वाला, ये हमको पता चलता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से. और लास्ट में हमने इतना देखा कि कभी कभी उसमें सिर्फ वर्ब का यूज होता है, जैसे कि स्टॉप, प्लीज, मतलब सिर्फ वर्ब यूज हुआ है. और उसी के साथ हमने ये भी देखा कि या तो वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं या तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. तो ये थे सेंटेंसेस के दो टाइप्स के बारे में. अब हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जिसमें हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज किस लिए होते हैं और उसके सेंटेंसेस किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू.